अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं हूं खान इस पे मोटर से यूसुफ आगा, आज एक नई वीडियो और एक नई गाड़ी के साथ आप लोगों के लिए आया हूं। तो दोस्तों, आज की गाड़ी और गाड़ी का डिटेल बताने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले मेरी वीडियो आपको मिले जो डेली बेसिस में अपलोड करता हूं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, आज की गाड़ी जो है वो है प्रीमियो 2006 मॉडल। प्रीमियो 2006 सात मॉडल में जो ये शेप आया हुआ है, सात के लास्ट में जो है नया शेप स्टार्ट हुआ है, लेकिन 2006 सात के स्टार्टिंग तक यही शेप है, लेकिन छह के स्टार्टिंग में जो है, फिर वो नया छह के लास्ट में जो है छठे महीने के बाद जो है, फिर वो नया शेप स्टार्ट हुआ है जो कि ये शेप है। ये पर चलता चलता फिर मिसाल 10 तक है, फिर 10 में इसके बैकलाइट्स चेंज हो जाते हैं। तो ये आज की गाड़ी जो है 2006 मॉडल है एक्स प्रीमियो। एक इसमें फिर तीन किस्म की आती है, एक सादी एक्स आती है और एक हाफ एक्स एक्स आती है और एक दूसरी आती है जो फुल एक्स प्रीमियो होती है। तो आज की गाड़ी जो है वो सादी एक्स है और फिर प्रीमियो में फिर तीन किस्म की आती है, एक एक्स प्रीमियो होती है, एक एफ प्रीमियो होती है और एक जी प्रीमियो होती है। एक्स प्रीमियो जो है वो 1800 सीसी आती है, एफ प्रीमियो जो है वो 1500 सीसी आती है और जी प्रीमियो जो है वो आती है 2000 सीसी। और इस शेप में जो है जो जी प्रीमियो है वो उसका बिल्कुल डिमांड नहीं है, ना कीमत है, ना उसका सेल और मिसाल रिसेल नहीं है, ना कोई लेता है शौक से। 1000 सीसी की जो इंजन है वो बहुत ज्यादा पेट्रोल पीती है, बहुत ज्यादा पीती है। तो 1500 जो है, 1500 भी लोग इसमें पसंद नहीं करते, क्यों पता नहीं, बोलते कि ये जो ये भी पेट्रोल ज्यादा पीती है। हालांकि 1500 इंजन छोटी है, बहुत ही प्यारी गाड़ियां होती है और उसकी भी जो एवरेज जो पर लीटर जो माइलेज देते वो भी बड़ा बेहतरीन। लेकिन एक्स जो है 1800 सीसी जो है वो हर किसी को पसंद है, सब जो है वो जब लेते हैं तो वो 1800 सीसी लेते हैं, फिर इसमें 1800 में फिर एक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन होती है। आज की गाड़ी जो है वो है सादी, लेकिन इसकी इंटीरियर तकरीबन एक्स जैसी है। तो दोस्तों, आज की गाड़ी जो है वो 2006 मॉडल है, 1800 सीसी है, जो कि जापान की मैन्युफैक्चर है, टोयोटा कंपनी की। प्रीमियो पल व्हाइट कलर, बिल्कुल क्लीन पीस है, बिल्कुल साफ सुथरा पीस है, कांचा पीस है, जो कि इसको रिसेंटली 1-2-3 महीने हुए ये बॉर्डर से आया हुआ है, तो इस वजह से कड़ी रही, तो ये चली नहीं है ज्यादा, चली नहीं है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी है। तो गाड़ी के इंटीरियर के हवाले से आप लोगों को बताता हूं, एक्सीएक्स में जो है आप देख सकते हैं ये बेज, ये जो बेज है ये एक्सीएक्स में आता है और इसमें यहाँ पे जो ये डैशबोर्ड का जो बेज है ये एक्सीएक्स में आता है और साथ ही साथ जो दरवाजों की ये एंडल है आप देख सकते हैं, ये एंडल सिल्वर कलर, इसके तो सिल्वर कलर है, तो इसके जो बटन आते हैं ये बटन भी सिल्वर कलर के आते हैं, लेकिन आज की गाड़ी जो उसके सिल्वर नहीं है, ब्लैक है, क्योंकि ये सादी है, एक्सीएक्स पैकेज नहीं है। तो हाफ एक्सीएक्स में सिल्वर आ जाते हैं, लेकिन उसमें फिर जो है वो बेज यूज नहीं हुआ होता। तो आज की गाड़ी जो है वो बिल्कुल सादी है, बेज बड़ा ही बेहतरीन इसमें बेज यूज हुआ है, जिस एक्सीएक्स में आता है सेम टू सेम वही बेज यूज हुआ है और येलो सीट्स में, येलो कुशन में है। इंटीरियर के हवाले से जो है आप लोगों को मैं बताता हूँ, चलो इसमें बड़ा जबरदस्त बेज रेड ब्राउन कलर का इसमें बेज यूज हुआ है, टोटली गाड़ी जो येलो और ब्राउन कलर का है, ये जिसके जो ये स्ट्रिंग आप देख सकते हैं, इसका डैशबोर्ड का ऊपर हिस्सा है, दरवाजों का ये हिस्सा, ये टोटली जो ये ब्राउन कलर है, बाकी फिर गाड़ी चाहे डैशबोर्ड का निचला हिस्सा हो, चाहे दरवाजे हो, चाहे सीट्स हो, चाहे रूफ हो, चाहे बैक सीट्स हो, टोटली फिर जो है चाहे इंटीरियर जो मिसाल ये जहाँ पे हम लोग पांव रखते हैं, यहाँ पे जैसे कि ये डैशबोर्ड का ये वाला हिस्सा हो गया, जैसे पायदान हो गया, टोटली जो है वो फिर येलो कलर की, उसमें बिल्कुल ब्लैक यूज नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ ब्राउन यहाँ पे यूज हुआ, इसका डैशबोर्ड का ऊपर वाला हिस्सा और यहाँ पे जो ये दरवाजों का ये ऊपर वाला हिस्सा जो ये ब्राउन कलर का है, बाकी टोटली जो है इसका जो यहाँ पे कुशन इस्तेमाल हुआ है, जो कुशन इस्तेमाल हुआ है वो भी येलो कलर का है, वो भी बड़ा बेहतरीन और अच्छा कुशन है और सीट्स के बड़े कंफर्टेबल और बड़े अच्छे सीट्स होते हैं। तो दोस्तों, आज गाड़ी जो है 2006 मॉडल है, हाफ एक्सीएक्स नहीं है, बिल्कुल सादी है, लेकिन इसका इंटीरियर बिल्कुल हाफ एक्सीएक्स जैसे ही, बिल्कुल सादी है, इसके टच एसी में है। ये आप लोगों को इसका प्राइस आप लोगों को बताता हुआ, चलो इसका प्राइस है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ही बेहतरीन और बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, सिर्फ और सिर्फ 14.5 लाख रुपए में आप लोगों के लिए। ये गाड़ी अगर ओरिजिनल होती इसका प्राइस जो था वो 30-35 लाख रुपए इसका प्राइस होता, 30-35 लाख रुपए इस गाड़ी का प्राइस होता, लेकिन आज गाड़ी जो वो इतनी फ्रेश और इतनी कम कीमत में तो बहुत ही बेहतरीन और मुनासिब कीमत है, 14.5 लाख रुपए में सिर्फ 2006 मॉडल है, पल व्हाइट कलर है, सादी व्हाइट नहीं है, पल व्हाइट कलर है, बहुत ही प्यारी और खूबसूरत गाड़ी है। गाड़ी जो है वो क्वेटा शहर में खड़ी, जिस भी बाइक को कॉन्टेक्ट करना तो उसको यहाँ पे नीचे नंबर भी मिल जाएगा और डिलीवरी का प्रोसीजर पूछना था, पेमेंट का क्या तरीका कार्य, वो टोटली आपको जो है मैं वहीं पर बता दूंगा कि क्या सिस्टम है, पेमेंट का क्या सिस्टम है, डिलीवरी का क्या सिस्टम है, वो टोटली आपको मैं वहीं पर बता दूंगा। दोस्तों, मेरे शोरूम जो है वो क्वेटा शहर में मेरा शोरूम है, तो जिस भी बाइक को कॉन्टेक्ट करना तो इस नंबर पर मुझसे
कॉन्टेक्ट कर, जिस भी गाड़ी के हवाले से उसने पूछताछ करना था, लवाल करना था, उसको डिटेल के साथ मैं बता दूंगा कि गाड़ियां होती है, कहाँ पे होती है, रूप कट होती है। मिसाल अब ये गाड़ी जो ये रूप कट नहीं है, इस प्रीमियो और एक्स कोरोला में रूप कट बहुत ज्यादा कम आती है, हजारों में एक शायद आ जाए, वो भी नहीं आ जाए, वो भी नहीं आती। लेकिन आज की गाड़ी जो रूफ कट भी नहीं है, टेम्पर्ड भी नहीं है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बिल्कुल फ्रेश टोटल गाड़ी जो है, टोटल गाड़ी जेन्युइन, चाहे इंटीरियर हो, चाहे बाहर से हो, चाहे इसका इंजन हो, टोटल गाड़ी जो है वो जेन्युइन है। टोटल गाड़ी में एक पीस वो टचअप नहीं है और इंटीरियर से एक चीज नहीं निकला हुआ है, बिल्कुल टोटल अपने कंडीशन में, जैसे जापान से आया हुआ है वही कंडीशन में है। और इसके जो अभी तक इसमें जो पायदान पड़े हैं, जो मेट्स पड़े हैं, वो अभी तक इसकी ओरिजिनल इंजन, इसकी इतनी प्यारी और जीरो, अभी आपको वीडियो में दिख जाएगी कि कितनी प्यारी और बिल्कुल जीरो पड़ी इंजन है, अभी तक इसको हाथ नहीं लगा, मैकेनिक ने इसको अभी तक हाथ नहीं लगाया। वजह यह क्योंकि ये बहुत ही प्यारी और बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। तो दोस्तों आप ये गाड़ी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 14.5 लाख रुपए में मिलेगी, जो क्वेटा शहर में खड़ी। तो दोस्तों गाड़ी का इंटीरियर अभी आप लोगों को मैं दिखाता हूं, चलो फिर गाड़ी आप लोगों को मैं बाहर से भी दिखाता हूं। चलो गाड़ी का इंटीरियर आप देख सकते हैं, देखो यहाँ पे बेज यूज हुआ है और यहाँ पे बेज यूज हुआ है। और XCX में जो आती है वो XCX में ये जो है ये सिल्वर कलर की, जैसे ये सिल्वर कलर का है तो XCX में ये भी सिल्वर की आती है, और ये बटन जो ये भी सिल्वर के आते हैं, उस साइड के भी सिल्वर के आते हैं और इस साइड के भी ये सिल्वर के आते हैं। और आप देख सकते हैं इसमें जो यहाँ पे बेज यूज हुआ है और यहाँ पे जो है टोटली यहाँ पे जो है बड़ा ही बेहतरीन और अच्छा बेज यूज हुआ है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा इसमें बेज यूज हुआ है इसमें, क्योंकि ये ओरिजिनल बेज इसमें यूज हुआ है, क्योंकि कोई इसको आर्टिफिशियल कोई दूसरा बेज इसमें नहीं लगा हुआ है। AC जो AC सिस्टम टोटल यहाँ से कंट्रोल होता है, सारे AC के कंट्रोल सिस्टम वो यहाँ से कंट्रोल होता है। इसमें जो ये सादी जैपनीज वाली वो लगी हुई है, LCD लगी हुई है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं इसका मीटर भी दिखाता हुआ, कितनी चली ये 87,000 चली है, 87,466 किलोमीटर चली है, बहुत ही प्यारा इसका मीटर है। आप देख सकते हैं डबल मीटर, साफ सुथरी गाड़ी है, बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है। बैक साइड भी आप लोगों को दिखाता हुआ, चलो टोटली येलो कलर की है, टोटली गाड़ी येलो कलर की, इसमें कोई इन जगहों के अलावा जो है ब्राउन कलर का गाड़ी में कोई दूसरा पीस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये जगह जो है ये ब्राउन कलर की है, बट बाकी टोटल गाड़ी जो है वो येलो कलर की है। तो दोस्तों आप लोगों को मैं गाड़ी बाहर से अभी भी दिखाता हुआ चलूं। नहीं दोस्तों आज की गाड़ी आप देख सकते हैं पल व्हाइट कलर के, पल व्हाइट कलर में बिल्कुल फ्रेश गाड़ी है, टोटल गाड़ी में टच अप नहीं। इसमें ये रिम जो लगे हुए, इसमें ये सादे व्हील लगे हुए, XCX पैकेज में जो आते हैं वो रिम आते हैं, XCX पैकेज में रिम आते हैं, जो इसके अपने रिम आते हैं, लेकिन इसमें जो है वो रिम नहीं है, सादे व्हील लगे हुए हैं। एक्स प्रीमियो है। टोटल गाड़ी का मैं आप लोगों को राउंड व्यू भी दे देता हूं कि गाड़ी में जो है कोई खराश नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं है गाड़ी में, टोटल जो है गाड़ी अपनी कंडीशन में है। इंटीरियर आप लोगों को मैंने दिखा दिया, लेकिन एक दफ़ा फिर आप लोगों को मैं दिखाता हुआ चलो गाड़ी का, आप लोगों को मैं इंजन भी दिखाता हुआ चलो कि गाड़ी की इंजन जो है वो बिल्कुल फ्रेश पड़ी है। तो ये रही दोस्तों, आप इसका इंजन देख सकते हैं, बिल्कुल अनटच पड़ी है, अभी तक इसके रेडिएटर में पानी है, जो इसका ब्रेक ऑयल है, गियर ऑयल, वो टोटल अभी तक वही उसमें पड़े हैं जो इसकी कंपनी की तरफ से आते हैं, वो अभी तक वही पड़े हुए। इसमें जो अभी तक ये टैग्स लगे हुए, इसके ये टैग्स अभी तक नहीं उतरे हुए, जो इस पर टैग्स लगे हुए वो अभी तक नहीं उतरे, क्योंकि गाड़ी जो है बिल्कुल फ्रेश है, क्योंकि ये रिसेंटली मिसाल ये है कि जो बॉर्डर से आई है तो ये यहाँ पर नहीं चली हुई, यहाँ पर खड़ी रही है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल खड़ी रही है गाड़ी की। आप जो है ना वो बॉडी देख सकते हो, गाड़ी की जो फ्रेम है, वो जो रूम है, इंजन रूम है, वो बिल्कुल साफ सुथरा पड़ा है, बिल्कुल साफ सुथरा इसका इंजन पड़ा है। तो दोस्तों ये गाड़ी आप लोगों को मिलेगी सिर्फ और सिर्फ 14.5 लाख रुपए में, जो क्वेटा शहर में खड़ी है। तो दोस्तों गाड़ी आप लोगों को मैं ड्राइव करते हुए भी दिखाता हुआ चलो, बहुत ही स्मूथ और बिल्कुल साइलेंट गाड़ी है। अब ये जो भी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है ज़िगज़ैग गियर में। इसमें जो पुरानी जो 2003 मॉडल तक आती है वो ज़िगज़ैग गियर में नहीं आती, लेकिन इसमें जो ये चार मॉडल के बाद स्टार्ट हो जाती है, फिर उसमें जो है ज़िगज़ैग गियर आ जाती है। देख सकते हैं बड़ा ही बेहतरीन इसकी ड्राइविंग, प्रीमियो का ड्राइविंग जो है बड़ी बेहतरीन और बड़ी सोबर इसकी ड्राइविंग है। प्रीस में जो ये चार पाँच छः मॉडल वाली जो है वो पेट्रोल भी इतनी ज़्यादा नहीं पीती है, वो इतनी ज़्यादा भी नहीं पीती है पेट्रोल। तो दोस्तों ये रही आज की गाड़ी, तो आज की गाड़ी जो है वो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 14.5 लाख रुपए में मिलेगी, जो क्वेटा शहर में खड़ी है। तो दोस्तों अपने भाई को इजाज़त दे दीजिए और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।